एक ओर जहां सरकार किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर SECL किसानों की जमीन अधिग्रहण कर उन्हें नौकरी नहीं दे रही, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करा रही है। ऐसा ही एक बड़ा मामला आदिवासी बाहुल्य शहडोल और अनूपपुर जिले में सामने आया है, जहां शहडोल जिले में बटूरा गांव और अनूपपुर जिले के बकेही गांव में हजारों किसानों की जमीन शारदा माइन से चालू करने के नाम पर अधिग्रहण कर ली गई और कोयला उत्पादन का काम प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर शुरू कर दिया गया, लेकिन आज तक सैकड़ों किसानों को नौकरी नहीं दी गई है, जिससे नाराज किसानों ने माइंस के पास नारेबाजी कर विरोध जताया। जल्दी ही उनकी मांग पूरी नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि HECL की शारदा ओपन माइंस के लिए 2014 में शहडोल जिले के बटूरा व अनूपपुर जिले में बकही गाँव के किसानों ने 329 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गयी थी, जिसमें लगभग 254 लोगों को नौकरी दी जानी थी, लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई। 8 साल बीत जाने के बाद भी SECL प्रबंधन आज तक ग्रामीणों को नौकरी के लिए चक्कर लगा रहा है, जिससे परेशान ग्रामीण किसान शारदा कोयला खादान के पास जाकर नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज शारदा परियोजना द्वारा 329 एकड़ भूमि अर्जन पर रोजगार तो दे दिया गया है, परंतु कंपनी के नियम अनुसार 2 एकड़ से वंचित लोगों के लिए, जो कंपनी में 255 लोगों को रोजगार दिया जाना था, जो स्पष्ट लेख प्रबंधन द्वारा एग्रीमेंट भी किया गया प्रबंधन द्वारा, जिसमें से मात्र एक व्यक्ति बकही का और 3 व्यक्ति बकहो के लोगों को दिया गया है, शेष 251 नौकरी कंपनी अन्य क्षेत्र के लोगों को दिया गया है, और इसका विरोध अगर किया जाता है तो कंपनी मुकदमा कायम कराती है। जबकि एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन हमारा एक भूमि ही था, इधर भूमि भी चला गया, लोग रोजगार से भी वंचित हो गए। अच्छा, हाई कोर्ट कुछ आदेश थे क्या? हाई कोर्ट, हमने पटिशन फाइट किया, हाई कोर्ट के द्वारा यथास्थिति का निर्देश दिया गया है, जिसका पालन जिला प्रशासन नहीं कराती है। जबकि हमारे SECL द्वारा हमारे 329 एकड़ अधिग्रहण कर लिए गए, जो कि 164 नौकरी बन रहा था, आज तक वो नौकरी भी उपलब्ध नहीं हुआ। अब आगे खेत भी है तो हम खेती कर पा रहे हैं, अब जाए तो हम कैसे किसानी करें, अपने भूखे कगार में गांव वाले अपन मर रहे हैं, घरों में बड़ी बताते बहुत आपते आ रहे हैं, इधर से पूरा पत्थर पर गिर ही रहे हैं, अपने समय यहाँ खेती किसानी भी लायक नहीं रह गए। अब इसके कारण हम क्या करें, मजबूरन होकर हमको बृहद आंदोलन करने का वो विचार बना लिए सब गाँव वाले हम लोग, अब करें तो करें क्या। तो आज आप लोग यहाँ क्या करें, विरोध कर रहे हैं, हम कालरी का पर विरोध कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदुआ सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बकरी। बताइए। मेरा घर में साथ ओसियम नीरे आ गए है, मेरे घर के पास बड़ी बड़ी पत्थर गिरा थे, मेरे घर में बहुत नुकसान हो गए, सगला सीट टूट गए, अब मैं कईयो बेरी ऑफिस गए, 4 बेरी कहा पैसा दे भाई, और नहीं दिन पैसा, और 10 बेरी मैं गए वहाँ ऑफिस में, और कहाँ अबे नंबर मोर ले लीन, और कहाँ अबे तो देखब 1 महीना मोर रह गए पत्थरा थरा रे सगला छानी खपरा और पत्थरा और नहीं आई खेती भी। तो वही बटूरा बहकोह गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर संचालित शारदा माइंस में कोयला उत्पादन के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे ब्लास्टिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों के घरों पर आकर गिर रहे हैं, ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इस हैवी ब्लास्टिंग किसानों की जान माल का खतरा बना हुआ है, साथ ही उनकी खेती किसानी प्रभावित हो रही है। पंजाब केसरी TV के लिए शहडोल से अजय नामदेव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।